अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फ्लोर रंग क्रोशिया लेकर आई हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें। उम्मीद है आप लोगों को आज के क्रोशिया के फ्लोर रंग्स बहुत पसंद आएंगे, जो कि डिफरेंट से डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी में, लेटेस्ट से लेटेस्ट कलर में, स्टाइल्स में, कलेक्शन में। ये वाले मतलब कि जिस तरह वुडन इंटीरियर है उस पर बिछाने में बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शेडिंग का पेन घर से या पाँव के प्रॉब्लम्स की वजह से पेन होता है, तो वो भी ये वाले जो है मतलब कि फ्लोर रॉक्स बहुत ज़्यादा इजीली यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जिनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको पता है कुछ मतलब अब जैसे दादोज मदर्स वगैरह या फिर हम टीन एजर्स में भी किसी को कमर का पेन या फिर टांगों में दर्द वगैरह होता है, तो हम कहते हैं ठंडे पाँव ज़मीन में, ठंडे मतलब पत्थर ठंडा हो जाता है या फिर वुडन इंटीरियर का या फिर स्टाइल का हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यार इस टाइप का हो थोड़ा सा कि फर्श पे हम बिछा लें। लेकिन ये वाले दोबारा चलना स्टार्ट हो गए, पहले होता था लेकिन अब तो हर घर में आप चले जाएँ होम इंटीरियर फ्लोर्स पे यही है, अब आप यकीन करें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पहले फॉर एवर है, बहुत ज़्यादा डर्टी भी हो जाते हैं, यकीन करें। क्यों? क्योंकि फॉर एवर है और ऊपर से 24 आवर्स आना जा रहा है, तो फिर इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चलने स्टार्ट हो गया। अब आपने देखा होगा ये है मतलब के मैट टाइप ना फ्लोर रंग टाइप है, कुछ होते हैं फुल बड़े बड़े वो होते हैं क्लीन टाइप, जिस तरह हमारे घर में है तो मतलब हर जगह पे बहुत ज़्यादा पीछे हुए। क्यों? क्योंकि अच्छे भी लगते हैं, कोई मतलब डिफरेंट कलर में है, ज़्यादातर रेड में है या फिर कुछ रेड वाइप में, बहुत फॉर एवर है। लेकिन अब ये वाले भी देखें, एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, लेटेस्ट लेटेस्ट वाले स्टाइल है, आइडियाज़ है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आए रहे होंगे, तो आप सबके साथ शेयर किया करें ताकि सबको अच्छा लगे, बारे में पता चले। अल्लाह ताला सबको अपने सलामत रखे, आमीन सुआमीन। उम्मीद है आप लोगों को आज के क्रोशिया के फ्लोर है उसके बारे में बहुत पता चला होगा, और वीडियो को उसके पत्तियाँ करें तक देखा करें।